तो फाइनली सेकंड ट्रिप हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो हम निकल गए हैं आज ट्रैकिंग करने के लिए, और अभी हम पहले करवाएंगे पेट्रोल फिल, फुल टैंकी करवाने वाले हैं। देखते हैं पेट्रोल कितने का आता है हमारे गाड़ी में आज। और पीछे देख रहे हो, खाने वाले बंदों की कमी नहीं है, सब खाए जा रहे हैं आपस में। ये देखो भूख लग गई है। हाँ। भाई कितने दूर आ गए हम जो भूख लग गई है? भाई 4 किलोमीटर में इसको भूख लगने वाली है। अरे भैया कहाँ गए पेट्रोल वाले? भैया फुल कर दीजिए, फुल। तो गाड़ी को उस साइड लाऊं? चलो भाई, गाड़ी आगे से लेके पीछे कर रखिए। ये देखो, ये हमारे ड्राइवर साहब है आज, इनको यही नहीं पता पेट्रोल में गाड़ी लगाना कैसे। अबे भाई वहां लेके इधर कर लेना। ये देखो सीएनजी वाले लाइन में लगाने वाले हैं गाड़ी। मैं चला रहा हूँ ना, चलाने दो चुपचाप। गुस्सा, ये देख रहे हो ड्राइवर साहब का गुस्सा। एक बार और ये। तो आज का जो हमारा कंटेन है, ड्राइवर को आया गुस्सा। अरे बुकर तब भी नहीं मान रहे, तो खाने में लगे पड़े हैं। अरे चुप रहो यार, पिलाने दो, उसके बाद बोलना कुछ। वो देख लो, देख ले, सुन लिए आप सब। ऐसे बंदे के लिए आप क्या लिखना चाहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? बाहर में जाओ सब। बाहर में जाओ सब। तो ये हमारे फैमिली ब्लॉग होने वाले हैं, ऐसे बंदे को क्या चाहते हो कि हम ब्लॉग में ले या नहीं ले, कमेंट में जरूर बताइए। ये देखो कैसे खा रहे हैं। और हमारे अंकित भाई पेट्रोल भरवाने के लिए निकल रहे, सपोर्ट के लिए मुझे भी उतरना पड़ेगा। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट सपोर्ट करना है, आ जाओ। और इसको, इसकी आदत है हैंड ब्रेक नहीं लगाते, तो वही मैं चेक कर रहा था कि हैंड ब्रेक लगाया या नहीं। तो हम भी निकल जाते हैं। तो फिल हो रही है अभी, इतना आया हमारे गाड़ी में। तो अभी इतना पेट्रोल आ चुके हैं हमारे गाड़ी में, और देखते हैं और कितना आता है। और ये देखो, इसको सदमा लगा हुआ है पेट्रोल भरवाने के चक्कर में, पैसे इसके जेब से जा रहे हैं पूरे, तो सदमा तो लगना ही है इसको। मैं आ गया है इतना, और देखते हैं कितना तक जा पाता है। 31 लीटर टोटल आ गए हैं, समथिंग 32 लीटर तक जाता है इसमें, 34-35 भी हम कर लेते हैं अभी, और जाएगी बहुत। अरे कौन कूद रहा है? आराम आराम से, पेट्रोल ने ज्यादा पी जाएगी। ओ भाई ओ, तो कौन? वो देखो गेट पर, तो भाई वो बंदा खा नहीं पाया, और कर रहा है यार। नहीं खा पाया क्या? नहीं खा पाया वो बंदा। 33 लीटर अभी तक चला गया है, हम अपने लिए नॉर्मल लाए हैं। नॉर्मल इससे आलू टिक्की। तो बिल्कुल सही बोले, हमने टोटल 35 लीटर आने वाला है टंकी में। इधर जरा एक बार देखना, एक बार। नहीं, 30 लीटर आएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं, 35 मैंने बोला तो था, 35। अरे ये बंदा, अरे छत पे जाके कूद लो गाड़ी के। तो टोटल देखते हैं। अरे कौन है एक्स्ट्रा दिमाग? कहाँ है, कोई बच्चा ही तो है। अब यार हम तो बिल्कुल खाली करके लाए थे यार, घर पे पेट्रोल निकाल के रख दिए थे क्या? अंकल भी परेशान है। तो हमारे ड्राइवर में इतना पेट्रोल अभी तक आ चुका है, और देख रहे हैं कितना जा रहा है। अरे लूट के, ये देख रहे हो, ये बंदे हैं लूटने वाले, ऐसे बंदे हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रखा है। इस बंदे के लिए क्या लिखना चाहोगे कमेंट में जरूर बताइए। सिर्फ दांत दिखा देता है वीडियो में हर बार की तरह। 36 लीटर। तो गाइस 36 लीटर आ चुका है, इस बात के लिए ताली बजाइए। तो नहीं रहा है कहीं से पेट्रोल। तो हमारे ड्राइवर में आ गया है टोटल 3600। चलो गाइस, लगता है हमें दिल्ली वापस भी आ जाएंगे इसी पेट्रोल में, आना जाना हमारा हो जाएगा इतने से ही पेट्रोल में। हाँ गाइस, देख सकते हो पेट्रोल अब बाकी। ये देखो, अरे
अरे वो चाचा अंकल अबे इसमें फंस गया वो। गाइस टोटल इतना पेट्रोल आ गया और हम बैठते हैं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी वाला कभी भी जा सकता है और हम गाड़ी लगाएंगे साइड में। ये हमारे ड्राइवर साहब चल दिए, ड्राइवर साहब गाड़ी साइड में लगाई, जरा कैमरा वैमरा निकाल लेते हैं। तब से हो रहा है कि नहीं हो रहा था? नहीं, जब से तो हो रहा था। तो ये हमारी BMW का एक बार लुक देखिए, क्या हमने मॉडिफाई किस तरीके से कर रखी है अपनी पूरी गाड़ी में। और तो निकल गए हम रास्ते, नए ब्लॉग, नया सफर, नया रास्ता दिखेगा आज। इंडियन का पेट्रोल पंप भी दिख रहा है, ये देखिए कैमरे में देख रहे हैं। तुम ये लगा लेना कैमरा में जो लगाना है, ठीक है? हाँ, मैं तब तक वो कर लूंगा। क्या टट्टी वट्टी करोगे? तो हाँ, तो हमारे ड्राइवर साहब पैसे निकालने जा रहे, पैसे की कमी हो गई थोड़ा, क्योंकि चाय वाय पियेंगे थोड़ा। और पेट्रोल पंप वाले सोच रहे हैं ये पेट्रोल भरवाने हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम बगल में गाड़ी लगाएंगे। हाँ बिल्कुल बगल से चिपका के ATM जहाँ पे भी हो हम देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। तो चलते हैं थोड़ा बाहर, उतरते हैं। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. तो कौन कहता है 700 जो है वो सिर्फ वही ऑटोमेटिक है? आज मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी गाड़ी भी भाई ऑटोमेटिक है और एक किस तरीके से चलता है ये देखिए। मैंने हाथ छोड़ रखा है और गाड़ी जो है भाई अपने लाइन में चले जा रही है, चले जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट। ये है रेनॉल्ट वालों का भाई ऑटोमेटिक गाड़ी। No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. और फाइनली हम आ गए हैं हरिद्वार, और यहाँ से भाई हरिद्वार के बाद ना हम माता जी का दर्शन करने, ये देखो पहाड़ के, मैं और जूम करके दिखा देता हूँ, अभी हम यहाँ जाने वाले हैं और माता जी का यहाँ से दर्शन करके उसके बाद हम आगे की और तरफ जाएंगे। बहुत ही कहते हैं इसका जो पहाड़ है ना, सीढ़ियाँ ना, वो भाई बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही कम सीढ़ियाँ हैं, लेकिन चढ़ने में जो हालत ख़राब होती है ना उसका कुछ कह नहीं सकता। लेकिन माता का आशीर्वाद से ना उतनी थकान महसूस होती नहीं है और हम अपने सफल में कामयाब हो जाते हैं। भाई जमुना जी का जो ये देख रहे हैं बहाव किस तरीके से भाई पहाड़ों से पानी जो है वो बहकर आ रहा है, और अभी कहना रेनी सीज़न है तो और ज़्यादा ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। और पानी इस समय तो आपको साफ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मन के अंदर अगर सुंदर, मन के अंदर अगर इच्छा हो ना तो ये पानी, गंदे पानी भी साफ हो जाता है नहाते नहाते। बाद बाकी देख सकते हैं घने जंगलों के बीच में इस वादियों में माता जी के दर्शन अगर किसी को हो जाता है ना, वो अपने आप को भाग्यशाली समझे, सपने में भी आए तो। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. और भाई फाइनली हमें एक फ़ोटो सेशंस के लिए रास्ते में एक जगह मिल गया जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करवाते हैं। और उसके बाद कुछ घर से एमरजेंसी कॉल आ गया जिसके कारण हमें डायरेक्टली अब निकलना पड़ेगा। और भाई क्या वादियाँ हैं, दिल खुश कर दिया। तो फाइनली हम यहाँ पे रेस्ट के लिए रुके थे और यहाँ पे चाय वाय हम पिए हैं, थोड़ा सा डिनर कर लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, बारिश तो हो रही है और सबसे कहता है ना भाग्यशाली होता है जिसको बारिश के टाइम सूर्य देव का दर्शन हो जाए और उनका दिन ना पूरा दिन ही अच्छा चलता है। और वैसे भी हम माता जी के दर्शन कर रखे हैं तो हमारा दिन और भी अच्छा तो चल ही रहा है। दो भाई फाइनली हम तो कर लिए, लेकिन जो साथ के है ना भाई उसको कुछ ज़्यादा ही भूख लगा रहता है,
और वो देखिए वो सामने बैठ के अपना कर रहा है, और मैं आके भाई गाड़ी में आराम से बाहर ना घमस भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि धूप में और बारिश हो रही हो ना, तो और ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। तो फाइनली हम यहाँ से निकलते हैं अब सीधा, और यहाँ से हम अभी देहरादून एक्सप्रेसवे पे हैं, और देहरादून एक्सप्रेसवे से हम सीधा डायरेक्टली दिल्ली निकल जाते हैं। और गाड़ी का भाई कुछ इंटीरियर आप सबको क्या बताऊँ, ये हमारी सेकेंड राइड है जब से मैं गाड़ी लिया हूँ। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't want